हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और खुशखबरी लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। खुशखबरी इसलिए है क्योंकि आप लोग काफी टाइम से इससे रिलेटेड कमेंट कर रहे थे कि मैम ये 1 फरवरी से ऑनलाइन होना था, अभी तक आया क्यों नहीं। तो SSC के थ्रू इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए, तो इन सभी को जानने के लिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर वॉच करना। लेकिन उससे पहले इस वैकेंसी का अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखना है तो वो मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम, तीनों का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी फॉलो कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी, ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों ही टाइप के पोस्ट रहेंगे। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए बम्पर नंबर की सीट रहने वाली है। तो चलिए इसके रिगार्डिंग हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए फटाफट से। Like I told you, कि SSC के थ्रू वेरियस आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की रिक्रूटमेंट आई है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 2049 सीट्स के लिए ये वैकेंसी रहेगी। अब देख लेते हैं कि इस पोस्ट को कैटेगरी वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जनरल कैंडिडेट से वहाँ यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए 1028 सीट है, EWS के लिए 186, OBC के लिए 456, SC कैंडिडेट के लिए 255 और ST के लिए 124। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका ओवरऑल हो गया 2049 सीट्स। अब अप्लाई की डेट की बात कर लेते, क्योंकि लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ था। चूंकि SSC ने कैलेंडर में बताया था कि 1 फरवरी से 29 फरवरी तक फॉर्म अप्लाई होगा, लेकिन किसी रीजन से डिले हो रहा था, तो बार बार सभी मतलब चिंतित थे कि ऐसा क्या हो रहा है, SSC जो कि सुपर फास्ट यहाँ पर रिक्रूटमेंट कराती है उसमें क्यों डिले हो रहा है। मैंने पहले भी इसका रीजन बताया था कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम कंडक्ट कराती थी TCS, हो सकता है तो इस बार उसको चेंज कर दिया जाएगा। तो देखिए, फाइनली सब डिसीजन हो चुका है, आपका ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है 26 फेब से एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 18th of March रहने वाला है, मतलब 18 मार्च तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अब जब आप फॉर्म ऑनलाइन करेंगे तो फी क्या लिया जाएगा, चलिए बता देती हूँ। जनरल OBC और EWS से 100 रुपीज लिया जाएगा, वहीं पर SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड और फीमेल कैंडिडेट से कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। अब देख लेते हैं कि एज की लिमिट किस तिथि के अनुसार आपका कैलकुलेट किया जाएगा। एज ऑन 1st of January 2024, मतलब 1 जनवरी 2024 के अनुसार 18 वर्ष से 30 वर्ष के कैंडिडेट। अब सभी पोस्ट के लिए 30 वर्ष नहीं है, जैसे कि आप समझ सकते हो MTS है तो उसके लिए 18 से 25 वर्ष रहेगा, LDC के लिए 18 से 27 वर्ष रहेगा, जो भी ग्रेजुएशन लेवल का होगा उसके लिए 18 से 30 वर्ष होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाता है OBC को 3 इयर्स का और SC ST को 5 इयर्स का, तो वो भी आपको मिलेगा। अब ये देख लेते हैं कि एग्जाम की तिथि क्या है, क्योंकि ऑफिशियली SSC का जो कैलेंडर है, एग्जाम कैलेंडर, उसमें ये बता दिया गया कि आपका 6, 7 और 8 मई को पेपर भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो प्रिपरेशन की स्पीड को थोड़ा और बूस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी के इंतजार में ऑलरेडी बच्चे अभी थोड़ा सा डिले हो रहा था, तो एग्जाम का सब सोच रहे होंगे कि थोड़ा देर से होगा, लेकिन एकदम समय से आपका एग्जाम होगा, तो तैयारी अच्छी रखिए। चलिए देखिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। देखिए, पहले ही बताया कि तीनों तरह का पोस्ट है, तो इसमें 10th के लिए भी है, 12th वालों के लिए भी है, और जो ग्रेजुएट्स है उनके लिए भी सीट रहेगा। सिलेक्शन की प्रोसेस बहुत सिंपल है, ये देखिए आपका 4 स्टेज से गुजरने के बाद होगा, मतलब ऐसे तो 3 स्टेज ही हुआ। हर पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट नहीं होता है, जैसे अगर कोई MTS का करेंगे तो उनको बस ऑनलाइन एग्जाम देना होगा, उसके बाद DV और मेडिकल होगा। लेकिन जो LDC का फॉर्म अप्लाई करेंगे इसमें उनका क्या होगा, पहले एग्जाम होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, तब DV, तब मेडिकल होगा। ये डिफर करेगा आपका पोस्ट वाइज। चलिए आगे देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या एग्जाम का पैटर्न होने वाला है। ऑनलाइन एग्जाम होता है फ्रेंड्स, जिसमें आपका 100 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के लिए, और टाइम रहेगा आपका 1 आवर, यानी 1 घंटे का समय मिलता है, और निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/2, मतलब 0.50 का निगेटिव मार्किंग रहेगा।
और सब्जेक्ट वाइज पहले समझ लेते हैं। रीजनिंग से रहेंगे आपके 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, फिर इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, मैथ के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, और जीके जीएस से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि तीन लेवल का यहाँ पर आपका भर्ती आया है, कि कोई टेंथ है, कोई ट्वेल्थ पास आउट है, ग्रेजुएट्स है। तो अभी जैसे नॉर्मली आप एग्जाम देते हैं एलडीसी का, तो उसमें दो एग्जाम होता है, प्री होता है फिर मेंस होता है, लेकिन यहाँ पर एक ही एग्जाम होगा। पर उसमें भी अब आप सोचेंगे कि अब जो एमटीएस वाले बच्चे हैं वो ग्रेजुएशन लेवल का तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो ये ध्यान ये रखना है कि सब पैटर्न सेम रहेगा, लेकिन जो जिस लेवल का अप्लाई करेगा उस लेवल का उसका एग्जाम होगा। टेंथ लेवल वालों के लिए थोड़ा आसान रहेगा, ट्वेल्थ लेवल वालों के लिए जो सीएचएसएल का एग्जाम होता है उस लेवल का होगा, जो ग्रेजुएट्स होंगे उनके लिए सीजीए लेवल का क्वेश्चन होगा। आई होप एग्जाम पैटर्न आप अच्छे वे में समझ गए होंगे। जब एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं देन क्या होता है, एलडीसी के लिए या फिर जिस पोस्ट का कुछ स्किल टेस्ट होना होगा होगा, नहीं तो डीवी और मेडिकल, फिर ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। चलिए देख लेते हैं कितने डिपार्टमेंट के अंदर आपकी भर्ती आई है। 500 प्लस डिपार्टमेंट के लिए भर्ती है। पोस्ट वाइज अगर देखें तो सिंपली देखिए एमटीएस, एलडीसी, स्टोर कीपर, लैब असिस्टेंट, मेडिकल अटेंडेंट, एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के लिए कांस्टेबल, ये तो मैं कुछ ही पोस्ट आपको बता पाई हूँ। जितना ज्यादा डिपार्टमेंट है इसमें और जोन वाइज यहाँ पर वैकेंसी है, तो आप किस जोन के लिए अप्लाई करते हो, वहां पर आपके कैटेगरी का क्या सीट है, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा एसएससी के वेबसाइट पे, और नहीं तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी सब कुछ मेंशन किया गया है, तो डाउनलोड करके एक बार जरूर देखिएगा, तभी फॉर्म अप्लाई करिएगा। अब रही बात कि क्या एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो वो चाहे तो टेंथ लेवल का भी एक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एक ट्वेल्थ लेवल का अप्लाई कर सकते हैं और एक ग्रेजुएशन लेवल का। तो ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जाम क्वालिफाई करिएगा और तीनों में से कोई पोस्ट आप चूज कर पाइएगा, तीनों के लिए आपका अलग अलग एग्जाम होगा, अलग अलग दिन होगा, तो देखिएगा किस जोन में आपको अप्लाई करना है, क्योंकि फिर एग्जाम देने अलग अलग जगहों पर आपको जाना पड़ सकता है। इसको ध्यान में रख के ही अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। अब आगे बता दूं कि सैलरी क्या रहेगी। लेवल 1 to लेवल 6 का आपका यहां पर पोस्ट है, तो सैलरी भी वैसे ही मिलेगी। पोस्ट वाइज बात करें तो 19,000 से लेके 81,100 रुपए की सैलरी होती है आपकी। अलग अलग पोस्ट की अलग अलग सैलरी होती है। अब आते हैं मुद्दे पर कि एसएससी ने क्या बड़ा बदलाव किया है। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में आपको थोड़ा हिंट दे दिया है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन चेंज किया जाएगा एग्जाम के लिए। फिर एक चीज ये भी हुआ है कि एसएससी जो पुराने वेबसाइट के थ्रू वैकेंसी कंडक्ट करती थी, अभी नया वेबसाइट आया है, तो वहां पर आपको OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन फिर से सभी कैंडिडेट को करना है। जो पुराना रजिस्ट्रेशन था वो पुराने आपके वेबसाइट तक वैलिड था, अभी सबको नए सिरे से आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना है। ध्यान पूर्वक पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करेंगे। दूसरी चीज ये आई है नई चीज कि जैसे पहले आप देखते होंगे कि एसएससी के फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपने एक फोटो अपना क्लिक करा लिया, उसको स्कैन करके आप अपलोड कर देते थे, लेकिन अभी क्या है कि आपको लाइव फोटो अपलोड करना है। जिस वक्त फॉर्म अप्लाई करेंगे उसी वक्त आपका एक लाइव फोटो क्लिक किया जाएगा वेबसाइट के थ्रू, आप फोन से भी क्लिक करा सकते हैं। और सेकेंड चीज ये कि इसमें आपका बैकग्राउंड जो है ना वो एकदम सादा होना चाहिए। मान लीजिए कि पीछे अगर ब्लैक कलर है तो सिर्फ ब्लैक कलर। तो ये सब ध्यान में रख के ही फॉर्म अप्लाई करिएगा। बहुत सारे चेंजेस हुए और आई होप कि मैंने जो कुछ भी आपको इसका डिटेल बताया है वो आप सब कुछ समझ पा रहे होंगे। सिलेक्शन पोस्ट की न्यू रिक्रूटमेंट के लिए कहीं पर भी मन में कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो थोड़ी यूजफुल रही हो, इम्पॉर्टेंट अगर रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाइएगा ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।